नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित मौल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। अभी जो है वही तकरीबन 9 बज रहा है दोस्तों, और हम यहाँ पे जो है अपने दुकान जो है अपना दुकान वो बंद करके और आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि इससे पहले मैं जियो का जो फ़ोन होता है 220p, उस पर एक वीडियो बनाया था नेटवर्क वेज, ठीक है। उसे बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहा था दोस्तों कि ये फेक वीडियो है, ये सही नहीं है, ये गलत है। तो इसी के बारे में आपको बता रहा हूँ आज की ये फेक है। भले ही वीडियो क्यों ना आधा घंटा का हो जाए, बट सही बताऊँगा, ठीक है। पूरा लाइव दिखाऊँगा कि कैसे कैसे हम करते हैं। तो दोस्तों, उस वीडियो में मैं सबसे पहले बताया था कि यहाँ पर जो होता है ये बीच का जो बेस पॉइंट होता है, बीच वाला, इस पॉइंट पे जो है सप्लाई नहीं आता। ये तो हमें भी है, पता है कि दोस्तों मान लीजिए इस पे जो है सप्लाई नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत ऐसे फ़ोन मैं देखा हूँ जिसमें कि फ़ोन को जो वहाँ से लेकर के यहाँ तक का जंपर किया हूँ और नेटवर्क प्रॉब्लम सही भी हुआ है और चल भी रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कहता हूँ कि दोस्तों इसमें सप्लाई आता है, ठीक है। और बात अब रहा कि इस फ़ोन का जो नेटवर्क चलना या नेटवर्क नहीं आता है, तो उसके लिए आपको आईसी चेंज करना होगा। और दोस्तों, इससे पहले का जो वीडियो बनाया था उसमें मैं आईसी चेंज करते हुए वीडियो नहीं बना पाया था टाइम की वजह से। टाइम भी ज़्यादा लगता और यहाँ पे शोरगुल कुछ ज़्यादा ही हो रहा था, यानी कस्टमर रहता है तो थोड़ा सा शोरगुल ज़्यादा रहता और धड़फड़ी भी ज़्यादा रहता, तो वहाँ पर हम वीडियो नहीं बना पाते, ठीक है। तो आज मेरे पास सेम वही फ़ोन आया है और हम वही सेम दूसरा बोर्ड लेकर के बैठे हुए हैं और अभी वीडियो बना रहे हैं कि दोस्तों कैसे करना है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, ठीक है, बट सही होगा। तो यहाँ पे जो है मेरे साथ आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखिए कि हम इसको कैसे करते हैं रिपेयर दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, चलिए हम बैक कैमरा से आपको दिखाते हैं कि क्या नेटवर्क है या नहीं है या किस तरह से दिख रहा है। तो दोस्तों, अभी तक यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बगल में रेड कलर सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे दबा कर मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं बनाता रहता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना टाइम गवाए और आपको बताते हैं कि कैसे हम करते हैं जियो F220B फ़ोन का नेटवर्क प्रॉब्लम रिपेयर। चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख लीजिए कि इस फ़ोन के अंदर जो प्रॉब्लम है दोस्तों, वो इसमें नेटवर्क यहाँ पे आप देख लीजिए नहीं आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है नेटवर्क नहीं आ रहा है, मैं आपको सही से दिखाना चाहता हूँ। देखिए, इस फ़ोन के अंदर में कुछ इस तरह से दिख रहा है और इसके अंदर जो है नेटवर्क नहीं आया। चलिए हम इस फ़ोन को पहले ओपन कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि कौन सा IC हम चेंज करते हैं जिससे कि ये प्रॉब्लम मेरा बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं हम और फ़ोन को करते हैं ओपन, आपको दिखाते हैं कौन सा नेटवर्क IC हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे कोई फेक वीडियो नहीं होता है, यदि आप लोग ट्राई करते हैं सबसे पहली बात, तो मान लीजिए कोई भी ऐसा वीडियो हो तो उसे ट्राई कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हर वीडियो कोई भी बनाता हो तो वो फेक ही हो, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। तो यहाँ हम फ़ोन को कर लेते हैं ओपन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बगल में मेरा दूसरा बोर्ड, एक डेड बोर्ड है जो कि रखा हुआ है, और उसी का हम IC अभी चेंज करने वाले हैं। उस IC का, उस फ़ोन का IC जो है हम चेंज करके इसमें लगाएंगे अभी आपके सामने, ठीक है। सिम उसी के अंदर डाला हुआ है, थोड़ा सा घिसा पीटा सिम है, देख सकते हैं। अब आप सोच रहे दोस्तों, ये जो है हम कैसे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आप मेरे रिपेयरिंग टेबल के ऊपर जो है कुछ शीशा लगा हुआ है, ठीक है। तो ऊपर से जो लगा हुआ है उस भाग से हम मोबाइल को रख दिए हैं बैक कैमरा स्टार्ट करके और हम बना रहे हैं, शूट कर रहे हैं वीडियो को। चलिए, तो हम यहाँ पे बिना कुछ चेक किए चीज़ तो हम कंफर्म है कि वही IC से ये सेम प्रॉब्लम है दोस्तों। हीट करने से भी सॉल्व होता है, बट इस फ़ोन में पहले से हीट किया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्टली अभी करेंगे चेंज, ठीक है। इसका रख लेते हैं साइड में। अब दोनों बोर्ड को हम रख लिए हैं सामने एक साथ, हम यूज करने वाले हैं वाइट पेस्ट का। सबसे पहले तो हम इस IC को कर लेते हैं यहाँ से रिमूव। इस पे भी डाल लिए हैं। हो सकता है दोस्तों कि ये वीडियो आपको निकालते हुए नहीं दिख पा रहा हो, क्योंकि मेरे सामने जो है ये कैमरा स्टार्ट नहीं है। तो चलिए हम इसको यहाँ से जो है कर लेते हैं रिमूव। सॉरी
सॉरी, यहाँ पे हम कुछ गलतियाँ कर रहे थे, तो इसके लिए हम सबसे पहले थोड़ा सा कीपैड जो है वो रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि यदि कीपैड जो है वो गल सकता है, यानी आपस में ख़राब हो सकता है। दोस्तों अक्सर होता था क्या, मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरे सामने जो है आगे की ओर जब कैमरा लगा हुआ रहता था तो हम सही से आईसी भी चेंज नहीं कर पाते थे, तो यहाँ पे जो है दिक्कत होता था, तो इसलिए हम अभी इसको कर दिए हैं साइड, ऊपर की ओर रख दिए हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे जब भी आप चेंज करते हो समय जो है थोड़ा सा सावधानी बरतें और हीटिंग का ख्याल रखें, यदि ज़्यादा हीट होने से जो आपका बोर्ड जो है वो भी फूल सकता है, ठीक है, तो उस स्थिति में आप फ़ोन को आप रिपेयर नहीं कर पाएंगे। दोस्तों आपको ऊपर की ओर खींचना नहीं है, ऑटोमेटिक ही देख सकते हैं ये निकल चुका है, ठीक है। अब हम इसको रखते हैं साइड, यहाँ पे चलते हैं और हल्का सा हम इसको देख लेते हैं कि कहीं बॉल जो आपस में कोई शॉर्ट तो नहीं है, तो हमें शॉर्ट तो नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्लियर नज़र आ रहा है। तो एक काम करते हैं हम, अब जो हम बस सेम उसी तरह दूसरे वाले बोर्ड से जो है हम आईसी को निकाल लेते हैं, ठीक है, ये बगल में रखा हुआ आईसी। हो सकता है दोस्तों यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा दिक्कत से दिख रहा हो आपको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम दूसरे फ़ोन का जो है आईसी इसमें बैठा लिए हैं, बट अब चेक करना बाकी रह गया है दोस्तों कि क्या हुआ है। थोड़ा सा बोर्ड हम जो है हॉट है तो इसको ठंडा होने देते हैं, ठीक है, तो देख सकते हैं आईसी जो है दोस्तों यहाँ पे बैठ चुका है। देख लेते हैं दोस्तों, कई बार होता है क्या इस आईसी को लगाने में जो है मेरा बोर्ड भी शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि बट ऐसा नहीं हुआ है, शॉर्ट नहीं हुआ है। अब आपको करना क्या है, थोड़ा थिनर लेकर के इसे साफ कर देना है, ठीक है। एक दोस्तों यहाँ पे एक जो है कैपेसिटर वो हमें थोड़ा सा दिक्कत दिया है, एक कैपेसिटर जो है दोस्तों इस साइड जो है यहाँ पे जो है दोस्तों एक कैपेसिटर यहाँ का था जो कि थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, तो शॉर्ट होने का जो है डर था, ठीक है। अब जो है यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है, आप देख लीजिए,
अब हम यहाँ पे करते क्या है दोस्तों, अभी फिलहाल वीडियो को हम कहीं पे भी पॉज नहीं किए हैं, भले ही वीडियो टेढ़ा बने बेढ़ा बने जो भी बने वो बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि आप लोग कमेंट भी यार गलत बोल देते हो तो थोड़ा सा दिक्कत होता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मैं फेक वीडियो बनाता हूँ, और समय नहीं रहने के कारण दोस्तों आप लोगों के लिए ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना पाता हूँ, जो होता है बना लेता हूँ ठीक है। अब हम यहाँ पर जो है चेक करते हैं फ़ोन को कि क्या हुआ है, इस फ़ोन के अंदर जो है नेटवर्क काम किया या नहीं किया या क्या हुआ, जो भी होगा वो आपके सामने लाइव है। ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों एक बार में वर्क कर ही जाए, नहीं भी कर सकता है तो दोबारा हम फिर से उस आईसी को लगाएंगे ठीक है, या तो रिवॉल्व करके, हो सकता है कोई बॉल छोड़ दिया हो, बहुत बात होता है दोस्तों रिपेयरिंग करते समय, ये बात तो आप यदि रिपेयर कर रहे हैं तो जानते ही होंगे। तो जो भी होगा आप सामने में देख लीजिए। तो यहाँ पर कोई मैं वीडियो को पॉज भी नहीं किया हूँ, बस क्लियर जो भी वीडियो है वो क्लियर है आपके सामने। नहीं होगा तो हम यहाँ पे जो है दोबारा से फिर आईसी को निकालेंगे और सही से बॉल देखेंगे कि कोई बॉल तो नहीं छोड़ रहा है, नीचे का जो बॉल बैठता है नीचे उससे हम रिसॉल्व करेंगे दोस्तों। रिवॉल्विंग का व्यवस्था फिलहाल मेरे पास स्टेंसिल आता है जो कि नहीं है, वरना रिवॉल्व करके भी आप आईसी को लगा सकते हैं, उससे भी जो है वर्क करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता है। तो देखिए अब आगे फ़ोन तो ऑन हो रहा है अब, बट आगे होता क्या है ये देखना है। हम जो आईसी लगाए हैं वो किसी डेड फ़ोन से ही लगाए हैं, तो हो सकता है उस वो भी आईसी ख़राब हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक आईसी सही होता है। बट यहाँ पे आप देख लीजिए दोस्तों क्या हुआ है ठीक है, आपके सामने है जो भी है आपके सामने में है। यहाँ पे मैं कोई सा भी वीडियो को कट नहीं किया हूँ, यदि आप वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर बराबर तो ऐसा तो आपको ज़रूर लगा होगा कि यहाँ पर मैं वीडियो को कट किया हूँ या कुछ भी किया हूँ। क्या आपके सामने ये लगा है और दूसरा आईसी जो है दोस्तों ये मेरे आपके सामने जो है यहाँ पर देख सकते हैं ये आईसी रहा ठीक है, यही आईसी हम चेंज किए हैं यहाँ पे। तो आपके सामने जो भी हुआ है ऐसा नहीं है कि दोस्तों इसमें वीडियो कोई कट कुट हुआ है ठीक है, कोई कटिंग नहीं किया हुआ है। और दोस्तों जो लोग गलत कमेंट करते हैं तो दोस्तों वो प्लीज़ आप जा करके वहाँ पे देखिए कि यार क्या यहाँ पे कोई गलत है या नेटवर्क आईसी लगाने से ऐसा तो नहीं है कि नहीं काम किया है। दोस्तों इसका नेटवर्क आईसी भी आता है, ऐसा नहीं है कि मार्केट में नहीं मिलता, लेकिन हम या आप उस तक नहीं पहुँच पाते हैं इसलिए हमें नहीं मिल पाता है, तो हम किसी डेड बोर्ड से लगाते हैं। तो दोस्तों आप सोचते होंगे कि ये डेड बोर्ड हम कहाँ से लाते हैं, तो कोई कस्टमर का यदि डेड हो गया फ़ोन वो नहीं रिपेयर करवाना चाहता है तो उससे भी परचेज कर लेते हैं। तो या मार्केट में मेरे यहाँ देखते हैं बहुत ऐसे कबाड़ी वाले होते हैं जो कि डेड फ़ोन ख़रीदते हैं और उनसे हम परचेज कर लेते हैं और उसका आईसी जो है ट्रांसफ़र करके लगा देते हैं ठीक है। तो ऐसा होता है ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कम्प्लीट है। अब हो सकता है तो यहाँ पर चलिए हम कॉल भी करके दिखा देते हैं आपको। दोस्तों ये कस्टमर तो इतना जल्दी में था कि इस फ़ोन को हम रख भी नहीं पाते, बट सिर्फ ये वीडियो बनाने के लिए मैं इस फ़ोन को रखा हूँ ताकि आप लोगों को ये दिखा सकूँ कि ये भी वर्क करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर। देख सकते हैं दोस्तों ये कॉलिंग भी हो रहा है यहाँ पे इस फ़ोन के अंदर, इस सिम के अंदर जो है रिचार्ज नहीं है ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं दोस्तों नेटवर्क प्रॉब्लम को रिपेयर जियो फ़ोन F220B का। ऐसा नहीं है कि दोस्तों मुश्किल है यार, मुश्किल कुछ भी नहीं है, करना यदि आप करना चाहोगे तो कुछ भी आसान है ठीक है। अब यार नहीं कर पाते हो तो कमेंट में कुछ भी लिख देते हो कि यार फेक वीडियो है या तो झूठा वीडियो है। यार झूठा क्यों बनाऊँगा यार, किसी का हेल्प करने के लिए यूट्यूब चैनल खोल रखा हूँ ठीक है, तो वहाँ पर कोई झूठा वीडियो नहीं बनाता हूँ। हाँ कोई FRP आपसे यदि बाईपास नहीं हो रहा है, उसमें अलग तरीका से हो रहा है, आपका अलग तरीका से हो रहा है, तो उसमें होता क्या है कि बाईपास जो होता है सॉरी एंड्रॉयड वर्जन जो होता है वो कुछ चेंज रहता है जिसके कारण यूट्यूब नहीं खुल पाता है, या तो बहुत सारी ऐसी चीज़ होता है ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप कर सकते हैं जियो फोन का रिपेयरिंग, देख लिया है कम्प्लीट है दोस्तों। दूसरा है नेटवर्क IC, उसको आप रख लीजिए या जो भी कीजिए, वीडियो कर दीजिएगा लाइक। तो दोस्तों आप लोगों ने देख ही लिया कि हम कैसे रिपेयर किए हैं इस फ़ोन का, यानी कहीं पे भी कोई वीडियो कट नहीं हुआ है। क्या आप लोगों के सामने कट हुआ है तो बताइए दोस्तों, बट यहाँ पे कोई सा भी वीडियो कट नहीं हुआ, अभी भी आप लोगों के सामने ये फ़ोन पड़ा हुआ है देख लीजिए, कंप्लीट है नेटवर्क ठीक है। देख लीजिए थोड़ा सा टेढ़ा करके दिखा दिया हूँ, दिख रहा है नेटवर्क ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, और कमेंट कभी भी करते हैं दोस्तों थोड़ा सा सोच करके कीजिए, यानी थोड़ा सा समझ लीजिए दोस्तों
क्या बताया हूँ इस वीडियो में, और वीडियो को पूरा देखिए। ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको बता दिया हूँ कि इस बीच वाले पॉइंट पे जंपर कर दीजिए और वो फेक है, तो ऐसा भी नहीं है दोस्तों। हम किए हैं प्रूफ हेड, आपको दिखाऊंगा। कभी हो सकता है मेरे पास कोई फ़ोन आया तो ये भी करके आपको दिखाऊंगा कि ये प्रॉब्लम इससे सॉल्व हुआ है दोस्तों। कई सारे फ़ोन हम रिपेयर करके कस्टमर को दिए हैं और वो चला भी रहा है, ठीक है। तो ट्राई कीजिए, नहीं हो रहा है तो आगे का प्रोसेस देखिए। आप ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों आप जंपर किए नहीं काम किया तो अब नेटवर्क ऐसी जब आप चेंज ही नहीं करेंगे तो काम कहाँ से करेगा। अब हल्का सा हीट कर दिए और सोचिएगा कि नेटवर्क जो है मेरा कंप्लीट हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है, यानी जब सोचेंगे थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो ज़रूर आपका मेहनत जो है कामयाब होगा, ठीक है। और मेहनत करेंगे ही नहीं तो कहाँ से वो कामयाब होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो कर दीजिए लाइक। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बगल में रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे दबाकर मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच पाएगा, ठीक है फ्रेंड। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।